लॉन्च में नजर आए सलमान, क्या कोई पुरानी एक्ट्रेस करेगी इस फिल्म में काम? क्या होगा इस फिल्म में कोई डिवोशनल गाना? स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड ग्रैंड स्टूडियोज की हसीन फिल्मी दुनिया में, और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। यहाँ आपको मिलेंगे फिल्मों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अगर किसी फिल्म पार्टी, अवार्ड शो या कहीं भी पहुंच जाए तो उस फिल्म शो या किसी भी इवेंट को बहुत पॉपुलैरिटी अपने आप ही मिल जाती है, और सभी मीडिया हाउस भी उस इवेंट को कवर करने के लिए वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सलमान खान महेश मांजरेकर की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनके बहनों आयुष शर्मा, टेलीविजन एक्ट्रेस महिमा मकवाना और प्रज्ञा जायसवाल जैसे कलाकार काम करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में सलमान खान ने अपने बहनों आयुष शर्मा और फिल्म के बाकी सभी स्टार कास्ट के साथ अपनी इस अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर मुंबई के एक थिएटर में बहुत ही धूमधाम से लॉन्च किया था। इस ट्रेलर के लॉन्च पर कई फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी, कैटरीना कैफ की बहन इजाबेल कैफ, एक्ट्रेस कृति खरबंदा, पुलकित सम्राट, अरबाज खान, रितेश देशमुख के साथ और भी कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की थी। इस मौके पर सलमान खान की रूमर गर्लफ्रेंड यूलिया वंटूर भी उपस्थित थी, और वो सलमान खान के साथ उन्हीं की कार से ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची थी। इस इवेंट में सलमान और यूलिया दोनों ब्लैक कलर के आउटफिट्स में ट्यूनिंग करते हुए नजर आए थे। सलमान इस फिल्म में प्रोड्यूसर भी है, और सलमान की ये फिल्म इसी साल 26 नवंबर को रिलीज होगी। दोस्तों, वैसे ये कोई ऐसा अकेला मौका तो नहीं है जिसकी वजह से सलमान खान सुर्खियों में आए हो। सलमान खान तो बॉलीवुड के हीरो हैं, और वो हमेशा सुर्खियों में ही बने रहते हैं। इस बार सलमान के सुर्खियों में रहने की एक और वजह है, और वो वजह है उनकी अपकमिंग फिल्म करण अर्जुन 2। इस फिल्म का इंतजार सलमान खान के फैंस ना जाने कब से कर रहे हैं, और अब उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हाँ, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। बस अब आप समझ लीजिए कि हमारे करण अर्जुन आने ही वाले हैं। हाँ दोस्तों, आपको करण अर्जुन का वो बहुत ही फेमस डिवोशनल गाना तो याद ही होगा ना? जी हाँ, सही समझे आप, मैं बात कर रही हूँ जय माँ काली गाने की। इस बेहतरीन गाने की शूटिंग राजस्थान के एक गांव भानगढ़ में स्थित एक गुफानुमा मंदिर में हुई थी। हालांकि ये मंदिर उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, लेकिन सेट डिजाइनर ने इस मंदिर को एकदम से एक बढ़िया मंदिर में तब्दील कर दिया था। इस बेहतरीन गाने को जानी मानी बेहतरीन गायिका अलका याग्निक और 90s के मेलोडी किंग यानी कुमार शानू ने गाया था। जैसे कि करण अर्जुन 2 को लेकर कई नई और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसा सुनने में आया है कि इस फिल्म में भी करण अर्जुन 95 जैसा माँ दुर्गा को डेडिकेटेड एक गाना सुनने को और देखने को मिलेगा। इस गाने में शाहरुख और सलमान के साथ इस बार इस फिल्म के एक्ट्रेसेस भी परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस नई फिल्म के लिए आप लोगों की एक्साइटमेंट लेवल कैसी है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, हम लोग फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही कुछ नई फिल्मों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज।